राजगढ़ जिले के माचलपुर के समीप स्थित आरटीओ बैरियर पर एक कंटेनर जिसका नंबर यूपी 21-3388 है रोकने पर नहीं रुका और भगाकर जीरापुर की ओर जाने लगा, जिससे शक होने पर थाना प्रभारी रामकुमार रघुवंशी को सूचित किया। वो तत्काल अपने दल बल के साथ पहुंचे। तब तक मौका देखकर ड्राइवर क्लीनर फरार हो चुके थे। थाना प्रभारी ने कंटेनर को कब्जे में लिया, जिसमें 69 गोवंश को चारों पैर बांधकर डबल पार्टीशन में बड़ी क्रूरता से भर रखा था। उन्हें माचलपुर पुरानी कृषि उपज मंडी में गौ सेवकों की मदद से उतरवाए और पशु चिकित्सक को बुलाकर उनका मेडिकल चेकअप करवाया व उनके चारे पानी की व्यवस्था करवाई। अज्ञात ड्राइवर क्लीनर के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। आप देख रहे हैं राजगढ़ के माचलपुर से जिला ब्यूरो प्रदीप बंसल की रिपोर्ट। ये पचोर सोयत स्टेट हाईवे है, जिसके पास में एक कोड़किया गांव है, वहाँ पे एक आरटीओ का बैरियर लगा हुआ है। उसके थोड़े से आगे की ये वाहन हमें आज सुबह खड़ा हुआ मिला था। जानकारी प्राप्त हुई थी कि आरटीओ जो बैरियर है वहाँ पे वाहनों को चेकिंग के लिए रोका जाता है, तो उसको रोकने के दौरान ये वाहन वहाँ पर नहीं रुका और करीब वहाँ से थोड़ा सा आगे जा कर के लावारिस हालत में इसके ड्राइवर और जो भी उसके साथ में थे वो लोग इसको छोड़ करके चले गए। जब हमें सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस थाने का अपना स्टाफ गया, जा कर के वहाँ पर उसकी तलाश की, तो वाहन में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। और ऊपरी तरफ से उसको देखा तो उसमें गोवंश परिवहन करते हुए पाए गए, जिसको वहाँ से एक प्राइवेट चालक के माध्यम से लाया गया और अपनी पुरानी मंडी में ला करके जो अपने पंचान थे उनके समक्ष उसको ट्रक को खोला गया। जो एक बेसिकली लोहे की बॉडी वाला कंटेनर है, जिसका नंबर UP21AN3388 है, इस नंबर की उसमें नंबर प्लेट लगी हुई है ट्रक के ऊपर। उसको खोल करके देखा तो उसमें गाय के बछड़े, जिनको कीड़े बोलते हैं अपन आम बोलचाल की भाषा में, ये 69 नग बड़े ही क्रूरतापूर्वक रस्सी से हाथ पैर पैर और मुंह बांध करके उसमें ठूस ठूस कर वध करने के आशय से भरे हुए पाए गए, जिससे उस वाहन चालक अज्ञात जो है वहाँ मौके पर नहीं मिला, फरार हो गया। उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, क्योंकि पूर्व में ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रदीप शर्मा साहब के द्वारा सभी जिले के थाना प्रभारियों को बार बार ये हिदायत और निर्देश दिए जा रहे थे कि जो अवैध गोवंश या जानवरों का जो लोग परिवहन करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर नकेल कसी जाए। इसी तारतम में ये आज सूचना के ऊपर कार्रवाई की गई। सर, इसमें कोई नंबर प्लेट वगैरह एक्स्ट्रा भी मिली? नंबर प्लेट उसमें लगी हुई थी कोई नहीं मिली है, जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो इसी नंबर की लगी हुई है। ये नंबर सही है? इसकी अपन जांच कर रहे हैं, उसमें इस प्रकार के कोई कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं हमें जिनसे ये अपन आरसी बुक या कोई उसका अन्य कोई दस्तावेज प्राप्त हुए जिनसे ये अपन मान सकें कि ये नंबर प्लेट सही है या गलत है। फिर भी उसकी आरटीओ से जानकारी ली जा रही है, चेचिस नंबर इंजन नंबर क्या। ये गाड़ी सर माचलपुर से आ रही थी या माचलपुर से जा रही थी? माचलपुर से लेके जीरापुर की तरफ जा रही थी। अपन बैरियर अगर चेक करवाएं तो सर ड्राइवर की शक्ल सूरत अपने को पहचान में आ सकती है? दोनों साइड बैरियर है, कैमरे लगे हुए हैं? हाँ, अगर वहाँ आरटीओ बैरियर पे कैमरे लगे हुए हैं तो ये इसकी अपन जांच करवा ले रहे हैं। और जो आसपास चेक पोस्ट हैं अपने जो टोल नाके के, तो वहाँ पे भी हम चेक करवा ले रहे हैं, तो अगर वहाँ से उनके फोटोग्राफ्स और जो भी जानकारी मिल जाएगी वो प्राप्त कर ली जाएगी। बाकी आरटीओ कार्यालय से और जो जहाँ पे उसका नंबर रजिस्टर्ड है उस आरटीओ से जानकारी ली जाएगी किसके नाम से ये रजिस्टर्ड है और कौन इसको अभी वर्तमान में।